सो गाइस आज के चैनल वीडियो के अंदर बोलक बात करने वाले अपने उज्जवल भाई के अब तक के सबसे ज्यादा क्रेजी फैन मोमेंट के बारे में, जिसके अंदर जो उज्जवल भाई का फैन है वो भाई लिटरली उन्हें डांट रहा है। मतलब कि सीन हुआ क्या था कि अपने उज्जवल भाई जो बाल कटाने के लिए सैलून गए हुए थे और भाई वहां पर जो उनके दो फैंस बैठे हुए थे और भाई वो दोनों जो अपने उज्जवल भाई की एक वीडियो के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर उज्जवल भाई को लिटरली डांट रहे थे। मतलब कह रहे थे कि भाई यार उज्जवल भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर ऐसा करना चाहिए था, उनको ये वाली गन लेके जानी चाहिए थी, वो गलत गन लेके ऐसा गलत कर दिया। मतलब यार वो जो बंदे अपने उज्जवल भाई को ही डांट रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उज्जवल भाई उनकी बातें सुन रहे हैं। मतलब वो वहीं पर ही थे, लेकिन अपने उज्जवल भाई जो अपने फैंस से जाके मिले नहीं, क्योंकि भाई उन्हें पता था अगर वो इनसे मिलेंगे तो भाई वो हजारों लाखों सवाल उनसे पूछ लेंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं करा, आपको ऐसा करना चाहिए। इसलिए यार अपने उज्जवल भाई जो वहां से लिटरली उठ के चल दिए, मतलब बाल वाले भी नहीं कटवाए यार उन्होंने, भाई सीधा चल दिए ताकि भाई उन्हें पता भी ना चले कि वो वहां पर आए भी थे। वो बहुत फैन मोमेंट्स तो बहुत सारे होते रहते हैं। एक था, मैं सैलून में गया था और वहां पे बगल में एक बंदा बैठ के मेरी जीटीए की वीडियो की बात कर रहा और मेरे को डांट रहा, तो मैं ऐसे उसके बगल में बैठा था, उसे पता नहीं था। वो कहता है यार टेक्नो को ना ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसे ये गन लेकर जानी चाहिए थी। और मैं सच में वहाँ से उठकर चला गया, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि पहचान लेगा तो मेरे से बहुत सवाल कर देगा, ऐसा क्यों नहीं करा, ऐसा क्यों नहीं करा। तो वो था कि मैं एक सैलून में रैंडमली गया, बगल में बंदा बैठ के मेरी ही वीडियो की बात कर रहा है और मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहा है वो अपने दोस्त से कि भाई यार ऐसे नहीं करना चाहिए था उसको ये वो। तो मैं चला गया सच में, बाद में कटवा लूंगा ये बाल। वैसे कहते कर आपको ये वाला इंटरव्यू पूरा देखना तो आप आईजीएन इंडिया के चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। वैसे मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख। और भाई यार मैं तो ये सोच रहा हूँ उन बेचारे बंदों के साथ क्या हुआ होगा। मतलब वो चलो भाई बिल्कुल उनके पास थे लेकिन उनसे मिले भी नहीं, और अगर वो अब ये वाली वीडियो देख रहे हो और भाई उन्हें रिकनाइज हो कि भाई हम वहाँ पर थे, हम ही उज्जवल भाई के बारे में बात कर रहे थे, अगर उज्जवल भाई वहाँ पर थे और उनसे मिले नहीं, मतलब अब उन्हें भाई कैसा फील हो रहा होगा। मतलब पहले तो उन्हें पता नहीं चला होगा कि उज्जवल भाई वहाँ पर थे या फिर नहीं थे, लेकिन भाई अब तो भाई सच में बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होगा अगर उन्हें अब ये पता चलता है कि सच में भाई वहां पर थे और वो उनसे मिले भी नहीं।